गाइज वेलकम बैक, मैं हूँ शाहीन शहजादा एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ वेलकम हुई हूँ। आज हम जोसो कोकोनट के लड्डू बना रहे हैं, जो उसकी रेसिपी है आप देखिए। इसके लिए मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। अगर आपके पास जोसो नॉर्मल कोकोनट है तो आप उसको भी ब्रोकश कर ले सकते हैं। ये बस ऑलरेडी कोकोनट का पाउडर था, मैं उससे बना रही हूँ। देखिए गाइस, हम जो लड्डू बना रहे हैं वो हम गुड़ से बना रहे हैं, क्योंकि शक्कर से नहीं बना रहे हैं। ये गुड़ से बने तो बहुत टेस्टी होते हैं, वजह से गुड़ ले रही हूँ मैं। और जो ड्राई फ्रूट, देखिए गाइस, ये ड्राई फ्रूट है जिसमें इलायची डाल के मैंने काजू बादाम को ड्राई पीस के रख लिया है। ये भी हमें इसमें मिक्स करने का है। ये ड्राई फ्रूट है जो हमें टॉपिंग पे थोड़े से लगाने का है। देखिए इसे हमें बारीक बारीक काट करके रख लिए है। देखिए मक्सती का घी ले रहे हैं हम, आप चाहे तो ऑयल से भी बना सकते हैं। मैं जैसा बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही करिए। देखिए गाइस, मैंने एक पैन चढ़ा लिया है। उस पैन में सबसे पहले हमें कोकोनट को भून के निकालने का है। कोकोनट को सिर्फ हल्का सा भुना है हमें, थोड़ा सा तिल बुरा हुए तक, लाइट तिल बुरा होने तक हमें इसे भून लेने का है कोकोनट को। क्यों वो तो थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची मज़ा आना चाहिए हमारे लड्डू में, इस वजह से बोल के हम थोड़ा सा लाइट इसे भून लेंगे, थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाए। हम इस तरह से तिल ब्राउन भून लिए हैं अपने कोकोनट को। देखिए यही लाइट कलर चाहिए हम आपको। और जब पैन है रेडी रखा हुआ हमारे पास, वही पैन में हम 2 चमचे घी और 2 चमचे तेल डाल के जो हमारे पास गुड़ है उसे मेल्ट करेंगे। देखिए गाइस, जो पैन हमारे पास रेडी था उसके अंदर हम 2 चमचे मक्सदी घी और तेल डाले हैं, और जो गुड़ था हमारा उसे हम इसे इस तरह से मेल्ट कर लिए। देखिए इस तरह से होना है हमें, देखिए जितना सार इस तरह से मेल्ट करना है हमें। देखिए गाइस, जो मेल्टेड जो सो हमारा गुड़ है उसके अंदर हम जो कोकोनट को जो सो अच्छे से भून के रोस्ट करके रखे थे तिल ब्राउन, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कैसे उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, उसी में हम 1-3 चमचे तिल भी ऐड करेंगे, क्योंकि तिल सेहत के लिए अच्छा है। बच्चे जो सो शौक से खाते हैं उसी में ऐड कर लेंगे हम, वही जो कोकोनट के लड्डू में वो अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से इतना करीब आ रहा है हमारा ब्लेंडर। देखिए जो कोकोनट है, गुड़ है और तिल है आ गया है करीब हमारा। अब जो ड्राई फ्रूट पीस कर लिए थे जिसमें इलायची भी है, वो पूरा ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा ब्लेंडर करीब आ रहा है। देखिए आप किस तरह से कलर भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा सा ठीक करना है। ठीक करने बाद हम इसे छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। देखिए गाइस, हमारा ब्लेंडर बल्कि थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम ये ब्लेंडर में देखिए लड्डू बना रहे हैं। थोड़ा सा लेके इसे हाथ से देखिए इस तरह से गोल करना है, थोड़ा सा तेल लगाना है हथेली पे, लगा के देखिए ये लड्डू किस तरह से गोल गोल कर लीजिए। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोकोनट का बोरा रेडी रखी थी, देखिए ड्राई बोरा है ये, देखिए जो भुना हुआ उसे हम इस तरह से ऊपर से डाल देने का है कोकोनट के पलटा के पूरा। उसके बाद देखिए आप डेकोरेशन के लिए हम एक काजू लगाएंगे और एक बादाम लगाएंगे, और देखिए तो किशमिश लगाएंगे हम डेकोरेशन के लिए। ये सर्दियों के दिन आए, इसमें देखिए मौसम के हिसाब से आप बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छे हैं ये। आप स्नैक्स में भी दे सकते हैं, देखिए इस तरह से। देखिए गाइस, मैं यहाँ बना के रेडी रख के जा रहा हूँ। इसी तरह से हम आपको पूरे लड्डू रेडी रखना है। देखिए ये ज़रा कुनकुना होते ही हमें प्लेटर में डाल लेने का है। थोड़ा सा तेल लेके देखिए थोड़ा सा कुनकुना होते ही हमें लड्डू का शेप दे देने का है। जैसा ही लड्डू का शेप देती है देखिए, यहाँ ड्राई कोकोनट वाटर है, देखिए कोकोनट वाटर के ऊपर आप डिप करिए चारों तरफ से, इसे थोड़ा सा प्रेस करके। देखिए अब हमें डेकोरेशन करना है, जैसे कि एक काजू, एक बादाम और किशमिश 2 लगाना है। देखिए आप चाहे तो ज़्यादा मूव भी लगाइए। इसी तरह से देखिए रेडी करके मैं एक चीज़ यहाँ पर रखते जा रही हूँ। ये तकरीबन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू यहाँ पर बन के रेडी है कोकोनट के। इसी तरह से पूरा सेम बनाना है। देखिए गाइस, ये कोकोनट के लड्डू हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। खुदा हाफिज़।